हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू एमबीडी आर्या मॉडल स्कूल, क्लास 9th, इकोनॉमिक चैप्टर 2, पीपल एज अ रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल, दैट मींस ह्यूमन कैपिटल ही एक ह्यूमन बींग है। अगर उस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन पे, तो वो हमारे कंट्री के लिए असेट्स बन जाता है, एक संपत्ति बन जाएगा, ना कि लाइबिलिटी, यानी वो हम पे बोझ नहीं बनेगा। तो अब इस वीडियो में हम स्टूडेंट रीड करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और मैन एंड वुमेन के बीच में जो वर्क है वो किस तरीके से डिवाइड है, उनका डिवीज़न पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, पहले तो स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर वो अपने घर में ही अपने बच्चे की देखभाल करता है, केयर करता है, या मेडिसिन देता है, या चेकअप करता है, तो वो उसकी फ़ीस तो नहीं लेगा। और अगर वही ये बाहर जाके सर्विस प्रोवाइड करता है तो अपने पेशेंट से फ़ीस लेगा, तो दैट वहाँ पे उसको उसको इनकम हो रही है जनरेट, और यहाँ पे उसको इनकम नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जब ऐसी सेवाएं जिससे हमें इनकम नहीं मिलती है, या किसी भी तरीके का पैसा जनरेट नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, या हम सर्विस किसी के लिए ऐसे सेवा भाव में करते हैं, तो वो हमारी किस में आती है, वो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो आती हैं जिससे कि हमें पैसा मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। अगर आप उसको छोटे से बच्चे को भी दिखाओगे, तो 1 रुपये का कॉइन दिखाओगे या 10 रुपीज़ का, तो वो 10 रुपीज़ का ही पकड़ेगा। तो दैट मीन्स बच्चे के माइंड में भी ये होती है कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री या किसी भी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाइक अ विलास एंड सकाल की स्टोरी से हमने देखा कि पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़, किसी न किसी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं सभी के सभी। वी सॉ दैट विलास सॉल्ड फिश एंड सकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म। जैसे कि हमने देखा विलास क्या कर रहा है, मछलियाँ बेच रहा है, और सकाल क्या कर रहा है, जॉब है उसकी फर्म में। तो वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में तो लगे हुए हैं ना, इनकम जनरेट हो रही है ना उनको। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासीफाइड इंटू 3 मेन सेक्टर्स, इसी तरीके से 3 सेक्टर्स हैं, और जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं अंगेज है और काम कर ही रहा है। तो 3 कैटेगरी हैं जिसमें कोई ना कोई वर्क जरूर कर रहा होगा, जैसे कि प्राइमरी का मतलब ही है एग्रीकल्चर में काम कर रहा होगा, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी जिसमें इंडस्ट्री वगैरह होती है उसमें काम कर रहा होगा, या टेरेसरी यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक आप ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, बैंक ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, जो सर्विस देता है। तो ये 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर में ह्यूमन कहीं ना कहीं पर्सन, कोई भी इंसान कहीं ना कहीं काम करेगा ही। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल और हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉल्ट्री एंड फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। दैट मीन्स जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि नेचर से गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कॉटन जो हमें प्लांट से मिलती है, तो वो किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो कि जो रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिला है वो अब उसको प्रोसेसिंग यूनिट में यानी इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, जैसे कि सुगर केन से सुगर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, तो उसको इंडस्ट्री में तो भेजा ही जाएगा ना, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी उसका विनिर्माण किया जाता है, जब रॉ मटेरियल को पक्के माल में परिवर्तन किया जाता है। अब इसके बाद आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टेरेसरी सेक्टर। ये सारे आते हैं टेरेसरी सेक्टर में। टेरेसरी सेक्टर क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है स्टूडेंट, दैट मीन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेवाएँ दे रहे हैं। कैसी, जैसे कि भाई गन्ना अपने आप उठ के तो उसमें जाएगा नहीं इंडस्ट्री में, यानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही जाएगा ना कोई उसे गाड़ी लेकर ही जाएगी ना। तो इसी तरीके से जो बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं देती हैं ना, तो इसी तरीके से ये 3 सेक्टर होते हैं जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है और अपनी इनकम जनरेट कर रहा होता है, जॉब होती है उसकी, किसी ना किसी भी कैटेगरी में काम वो जरूर करेगा तीनों में। अब दिस एक्टिविटी एड वैल्यू, अब इसके रिजल्ट में क्या होता है स्टूडेंट की, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन दिस प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, दैट मीन तीनों सेक्टर की वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है सामान का या सेवाओं का, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये क्या करती हैं, दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू, तो इसकी एक वैल्यू एड होती है, दैट मीन्स इनकम जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और लिविंग स्टैंडर्ड हमारा जीवन का जो होता है वो ऊँचा होता है, टू द नेशनल इनकम, दैट मीन्स इनकम भी
जो हमारी नेशनल की इनकम है वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है और वो भी ग्रो होती है एक वैल्यू के साथ साथ। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है जो एक वैल्यू होती है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, दीज से लेकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक, दैट मीन जो भी एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड करती है यानी इनकम जनरेट करती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जस्ट इसका उल्टा है, जो कि इकोनॉमिक जो वैल्यू ऐड नहीं कर पाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी दो पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रीनमरेशंस टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, यानी दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉफिट के लिए या किसी फायदे के लिए काम कर रहा है या सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है यानी खरीद रहा है या बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो खरीदने से या बेचने से किसी ना किसी को तो पैसा मिल ही रहा है इनमें, तो दैट मीन्स जिसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि मार्केट में सेल करने के लिए, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेके जाते हैं, जैसे कि आप एक मेड का एग्जांपल लो, अगर एक मेड घर में काम करती है तो उसको पैसा मिलेगा, लेकिन एक हाउसवाइफ अगर घर में काम करती है उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे उसकी इकोनॉमिक मार्केट एक्टिविटी यानी बिल्कुल ज़ीरो है हाउसवाइफ की, लेकिन एक हाउस जो मेड होती है उसकी मार्केट में वैल्यू है। इसी तरीके से जैसे कि हाउसवाइफ है वो अपनी फैमिली के लिए जो सेवाएं कर रही है तो वो तो अपने लिए कर रही है ना, दैट मीन्स वहाँ तो कोई भी एक्टिविटी मार्केट के लिए तो नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो सेल्फ कंज्यूम्पशन यानी कंजप्शन के लिए की जा रही है, अपने लिए की जा रही है, तो वो नॉन मार्केट में आती हैं। एंड दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस ऑफ फिक्स असेट्स। तो जिस इस तरीके का जो कंजप्शन होता है या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट या फिर अपने प्रोडक्शन जो फिक्स असेट्स का होता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम उसमें नहीं लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन द मैन एंड वूमेन ऑफ द फैमिली, लाइक ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि लेबर वर्क जो ये वर्क है, मैन और वुमेन के बीच में डिवीज़न है काम को लेकर फैमिली में, ये कैसे है, क्योंकि ये हमारे हिस्टोरिकल यानी कल्चर में ही है, पहले से ही आप देखते आ रहे होंगे कि वुमेन्स को घर के काम के लिए ही प्रीफर किया जाता है, कि वो बच्चों के काम के केयर करने के लिए बनी हुई हैं, घर के काम करने के लिए, और जो स्ट्रांग फिज़िकली वर्क करने के लिए वो मैन है वो ही काम कर सकते हैं बाहर, तो ऐसी पहले थिंकिंग हुआ करती थी। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। पहले क्या होता था, वुमेन घर पे काम किया करती थी और लोग जो मैन होते थे वो फील्ड्स में जाया करते थे। सकाल्स मदर, जो सकाल है वो तो कि जो उसकी मदर हैं शीला, वो क्या क्या करती हैं घर पे, कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चे की केयर करना। सकाल्स के फादर क्या करते हैं, बूटा कल्टीवेट करते हैं फील्ड पे यानी खेती करते हैं, और क्या करते हैं, सेल्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को और मार्केट में, एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान नोटिस करने वाली बात कौन सी है, शीला इज़ नॉट अ पेड फॉर द सर्विस। शीला यानी यहाँ पे शीला जो घर के लिए काम कर रही है उसको नहीं पेड मिल रहा है, उसकी जो सर्विसेज दे रही है अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली यानी जो वो सर्विस डिलीवर कर रही है अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए उसे पेड नहीं कर रहे किया जा रहा है। एंड बूटा अर्न्स मनी, लेकिन बूटा अर्न कर रहा है, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को अर्न चला पा रहा है, देखभाल कर पा रहा है। वुमेन आर नॉट पेड, लेकिन वुमेन को उसकी फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, फॉर देयर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, और ये अंडरलाइन कर लीजिए, यानी घर में जो काम किया जाता है वुमेन के द्वारा उसे नेशनल इनकम में भी, राष्ट्रीय आय में भी ऐड नहीं किया जाता। गीता मदर्स ऑफ विलास, जो गीता विलास की मदर है, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो तो फिश को सेल करके क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। एंड दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क मैन दे एंटर द लेबर मार्केट, दैट मीन्स वो एक लेबर मार्केट में एंटर करती है और अपने वर्क की पैसे भी लेती है। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल
काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट जो आपको ध्यान देनी होंगी, जैसे कि अब एजुकेशन और स्किल के बेस पे भी लेडीज़ों को, जो वुमेन्स को है, अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो वुमेन की एजुकेशन कम होती है और जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो मैन की ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी जो मार्केट में काम है वो किसको मिलता है ज़्यादा, मैन को मिलता है, और ये सोचा जाता है कि वो ही फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर कुछ वुमेन मार्केट में या कहीं पर काम भी करती हैं प्लेस पर, तो वो उनको मैन से कम पेमेंट दी जाती है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। बट अगर एजुकेशन वुमेंस को दी जाए तो ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो भी किसी से कम नहीं है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेशंस ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन या फिर किसी भी तरीके का कोई भी स्किल किसी के अंदर होना चाहिए जिससे कि वो मार्केट में अपने आप को प्रूव कर सके और कमा सके। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। इसीलिए जो वुमेन की जो मेन एजुकेशन है वो या फिर लो स्किल फॉर्मेशन है तो उसमें उसकी मेजोरिटी होगी। वुमेन आर पेड लो कम्पेयर टू मैन। वुमेन को कम दिया जाता है मैन के अकॉर्डिंग। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। कई बार मोस्टली वुमेन को वर्क की जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं होती है, वो परमानेंट भी नहीं होती हैं। और वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ग। दैट मीन्स कुछ ऐसी भी लीगल प्रोटेक्शंस के अकॉर्डिंग से जो रिलेटेड है वहाँ पे भी उनको इतना जॉब नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ करेक्टराइज बाय इररेगुलर एंड लो इनकम। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो जो इररेगुलर वर्क में है या लो इनकम होती है वहाँ पे आपको वुमेन ज़्यादा काम करती हुई मिलेंगी, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ परमानेंट काम नहीं मिलता या कम मजदूरी में औरत काम कर सकती हैं, औरतों को वहीं रखा जाता है। एंड इन दिस सेक्टर देयर इज़ अ अबसेंस ऑफ बेसिस फैसिलिटीज़ लाइक अ मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अगर काम करती भी है तो वहाँ पे उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ना तो उनके बच्चों की केयर के लिए उन्हें कुछ मिलेगा, या फिर उनकी मैटरनिटी अगर कोई लीव हो जाती है उसके लिए कोई प्रॉब्लम अगर उनके साथ हो जाती है वो नहीं मिलेगी, एंड सोशल सिक्योरिटी उनके साथ नहीं होती है समाज की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखनी पड़ती हैं। हाउएवर इसके अलावा वुमेन विद हाई एजुकेशन विद स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। लेकिन इसके अतिरिक्त वुमेन बहुत सारी ऐसी एजुकेटेड हैं जो स्किल फॉर्मेशन पे ज़्यादा कमा भी रही हैं अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। टीचिंग में, मेडिसिन एट, ये दोनों सेक्टर अट्रैक्टिव सेक्टर हैं वुमेन के लिए। वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विस इंक्लूडिंग जॉब। इसमें भी वुमेन्स काम करती हैं प्रशासन पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इसमें भी अब वुमेन्स वर्क कर रही हैं। एंड दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस। यानी अब बहुत सारे ऐसे टेक्निकल और साइंटिफिक लेवल पे भी वुमेन्स कॉम्पीट कर रही हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। अगर आप अपनी सिस्टर से, क्लासमेट से पूछोगे कि उन्हें पसंद क्या है, तो मोस्टली सब यही आंसर देंगे कि टीचर या फिर हेल्थ केयर, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, या इंजीनियरिंग का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का, जिसमें सभी गर्ल्स जाना प्रीफर करेंगे, और मोस्टली जो एजुकेशन इसमें लेती भी हैं टेक्निकल लाइन में। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और मैन और वुमेन के दो तरीके के वर्क में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।